हेलो मित्रों, नमस्कार। एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बैक हो रहे हैं। कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 बताइए, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 बता चुके हैं, 19 बताने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin θ - 4 sin³θ बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हल करते हैं। दिया है हल में, क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है कि sin θ बराबर 1/2, तो सिद्ध करना है 3 sin θ - 4 sin³θ बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब चूंकि हमको दिया हो गया है sin θ बार 1/2, तो sin θ का मान हम लोगों को sin θ और sin³θ बार 1 ज्ञात करना है, बराबर 1। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब कुछ नहीं करना हम लोगों को। जब sin θ बराबर 1/2 दिया हुआ है और 3 sin θ - 4 sin³θ बराबर 1 पूछ रहा है, दिखाना है कि सिद्ध करना है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया हुआ है 3 sin θ - 4 sin³θ। ठीक, तो देखिए अब इसमें हम लोगों को जो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब sin θ का मान दे रखा है, sin θ का मान दिया है ना, तो sin θ का मान दे रखा है 1/2, तो सिद्ध करना है कितना बार इतना। ठीक, तो इसमें जो मान रख दीजिए 3 × sin θ का मान 1/2, और माइनस में 4 × sin³ है, तो 1/2 का होल क्यूब कर दीजिए। ठीक, तो इतना बराबर लिख सकते हैं क्या, इतना बराबर लिख सकते हैं 3/2 और माइनस में 4 × 1/2 पे 3 घात का मतलब 8। ठीक, यानी कि फिर लिख सकते हैं बराबर में क्या, 3/2 और माइनस में 4/8 का मतलब 4 से इसको काट लीजिए तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2। ठीक, और इतना बराबर हम लोग देखिए हर बराबर है, तो इसको घटा लेंगे, 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि 2/2 का मतलब 1, यानी कि ये कितने के बराबर है, तो राइट हैंड साइड के बराबर है। और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड के, यही सिद्ध, यानी कि यह सवाल क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इति सिद्धम लिख देना है। ठीक, इति सिद्धम लिख देना है, बस। थैंक यू।